ये मैं हूँ, ये मेरा रूम है, यहाँ रूम चूर हो रही है। Oh God, I'm so addicted to this. Hi guys, welcome back to my channel and welcome to a new video. ये बोले हुए हमको बहुत दिन हो गया, हम बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाया, ऐसा लग रहा है मेरा सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो आज वीकेंड है तो हम सोचे बना लेते हैं एक वीडियो। और बहुत लोग आप हमको बोल रहे थे कि रूम टूर दिखाओ, तो ये मेरा रूम है, यहाँ मैं हूँ, रूम टूर हो रही है। हम इतना एडिक्ट हो गए ना इस लाइन से, हम हर चीज में बोलते देते हैं, हर चीज में, मतलब लिटरली हर चीज में। तो विदाउट एनी फर्दर एडू हम इतना बक 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 करते रहेंगे, इससे पहले हम लोग रूम के अंदर चलते हैं। तो आप लोगों को पहले बता देते हम 13th फ्लोर पर रहते हैं। और ये देखिए हमारा कपड़ा पसरा हुआ है और ये लड़की लोग का फ्लोर है, तो आप समझ सकते हैं हम लोग का कबर्ड बहुत छोटा रहता है, तो हम लोग आधा आधा कपड़ा बाहर ही लगा के रखते हैं, हम भी बाहर ही लगा के रखते हैं क्योंकि कबर्ड में ना ज्यादा स्पेस नहीं आता। सो आइए अंदर आइए, ओपन द डोर। ओके सो वी कम इनसाइड, वी ओपन द डोर। ओ माय गॉड, सिंपल थिंग्स हमको बताना पड़ रहा है, आ जाओ अंदर। तो अंदर जैसे ही आते हैं हमारा ये लाइट है जो ऑटोमेटिक लाइट है, और अगर हम लोग यहाँ पे स्टेप अप करते हैं तो वो लाइट अपने आप चल जाएगा, मतलब अंदर आओगे वो अपने आप चल जाएगा। अगर रूम में लाइट नहीं है तो आपको दिक्कत नहीं होगा कुछ देखने में। और यहाँ पे हम अपना बाहर का चप्पल खोल के अंदर वाला चप्पल पहन लेते हैं जो कि हम नहीं पहनेंगे। तो यहाँ पे आगे आते हुए यहाँ पे हमारा एक फ्रिज है जो कि आपको खुद से खरीदना पड़ेगा, क्योंकि फ्रिज नहीं देता रूम में। अगर आप चाहते हैं फ्रिज रखना तो आपको खुद खरीदना पड़ेगा। तो ये हमारे फ्रिज में बहुत सारा खाना है, या मेरा फेस मास्क और नाइट स्किन केयर और जो 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 जरूरी होता है सब कुछ है, ज्यादा नहीं देखते हम लोग। और यहाँ पे मोमोज रखे हैं हम क्योंकि हमको बहुत पसंद है। और यहाँ पे कुछ अंडा और जो भी वेजिटेबल्स होते हैं वहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे छाता है, यहाँ पे हमारा है एसी का रेगुलेटर जो कि अभी एसी स्टार्ट नहीं है, एसी यहाँ पे ही है हमारा, इस यहीं के पास है, ज़्यादा हवा नहीं जाता रूम में इसके वजह से, पर क्योंकि इधर ही डाल दिया, लेकिन सही है जो भी है। और ये हमारा रूम का जो भी लाइट वाइट का सर्किट प्रॉब्लम है, ये सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे हमारा शू रैक है जो कि भरा पड़ा है, बहुत मुश्किल होता है हमें रखने के लिए, तो हम ज़्यादा खरीदते ही नहीं क्योंकि अंदर अंदर दो तीन घुसा हुआ है। ये मेरी रूममेट का शेल्फ है और ये मेरा शेल्फ है। तो आगे आते हैं हम लोग। ओके सो अगर हम लोग उस थोड़ा और आगे आते हैं तो ये गली जाते हैं, और गली यहाँ पे जाके चौराहे में डिवाइड हो जाता है। तो उससे पहले मैं आपको दिखाते हैं ये दोनों कबर्ड है हमारा, एक मेरा कबर्ड, ये मेरी रूममेट का कबर्ड। और कबर्ड में कुछ खास स्पेस नहीं है, तो हम सारा जितना भी एक्सपेंसिव मेरा कपड़ा है, मतलब जो हम अच्छा हमको लगता है मेरे हिसाब से एक्सपेंसिव, तो वो हम अपने सूटकेस में रखे हुए हैं। और ये हमारा कबर्ड है, आप देख सकते हैं पूरा भरा। और इस कबर्ड का खासियत है कि ना हम ज्यादा ये खरीदते नहीं है, तो हम ना एक हैंगर में बहुत सारा कपड़ा डाल के रखे, मतलब 5-6 टॉप एक एक हैंगर में रखा हुआ है। और जो अभी ठंडा कम होने जा रहा है तो हम जितना थोड़ा सा हमको लगता है कि हम बाहर पहन के जा सकते हैं वो वाला, वो ही जैकेट बाहर रखे, बाकी सब अंदर रख चुके हैं। इधर मेरा कुछ बैग्स है, हैट्स है, जो भी हम पहनते हैं डेली बेसिस पे हम ले सकते हैं वो रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं हमारा रूम के अंदर ही वॉशरूम दिया हुआ है, तो वॉशरूम का सारा स्विचेस है यहाँ पे, इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा डस्टबिन है, डस्टबिन का यहाँ कोरिया का एक चीज है, अगर आप आ रहे हैं तो ये पहले आपको नॉलेज रखना पड़ेगा कि डस्टबिन में आपको प्लास्टिक में सारा डस्ट डाल के नीचे जाके गार्बेज जहाँ पे रखने वाला जो सब कोई जहाँ पे रखता है वहां पे आपको जमा करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे रूम के बाहर नहीं रख सकते कि कोई आके ले जाएगा उस भरोसे, क्योंकि आपको खुद करना पड़ता है, ये कोरिया का रूल है यहाँ का। तो आइए हम अपना बाथरूम दिखाते हैं, कुछ ज्यादा ही बड़ा है हमारा। ये हमारा वॉशरूम है, और ये हमारी कैमरा मैन है इधर आजा बेबी, ये हमारी नारा बेबी है। ये हमारा वॉशरूम है जो कि बाकी रूम के कंपैरिजन में काफी बड़ा है। पता नहीं मेरे रूम का क्यों नहीं, क्योंकि मेरे रूम में जो भी आता है वो बोलता है हमारा वॉशरूम सच में बहुत बड़ा है, और हमको भी फील होता है कि हम दूसरे के रूम जाते हैं उनको लगता है उन लोग का वॉशरूम छोटा है, क्योंकि हम बहुत स्पेशल चाइल्ड हमें लग रहा है। उसके बाद इधर आप अंदर आ सकते हो वॉशरूम, वी हैव दिस मिरर एंड दिस बेसिन, और यहाँ पे हम अपना फेस वॉश और जो भी डेली यूज, मतलब नाइट रूटीन मॉर्निंग रूटीन जिसमें भी यूज होता है वो नॉर्मल चीज यहाँ पे रखे हैं। सोप रखे हैं हाथ वाथ धोने के लिए, ये डिश वॉशर रखे हैं क्योंकि अगर हम रूम में कभी खाते हैं तो यहीं पे धो लेते हैं। उसके बाद इधर आप आते हैं तो ये हमारा
जो भी समझ लो आप क्या है, और यहाँ पे हमारा सारा शैम्पू और जो भी डेली यूज का सामान है ना, कपड़ा वपड़ा धोने का, वो सब कुछ रखा हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ रूम हमारा काफी, वॉशरूम हमारा काफी बड़ा है, और यहाँ पे हमारा शार है जो कि काफी ज्यादा हैंडी है, और बहुत मजा आता है नहाने में। क्या ही बताए आपको, क्या ही बताए, चलिए इधर आइए। ओके सो अगर आप इस इधर से बाहर आते हैं तो हमारा रूम, असली रूम स्टार्ट होता है। और हम तो अपने यहाँ बाथरूम के बाद आप हमारे रूम के अंदर चौराहा में आ सकते हैं, और यहाँ पे हमको अपने रूम का सबसे अच्छा चीज ये लगता है, मेरा बंक बेड, क्योंकि शाकालाका बूम बूम, शाकालाका बूम बूम, आईयो का याद दिला देता है हमको मेरा चाइल्डहुड क्रश था संजू। और जो भी मेरे एज ग्रुप का होगा या आगे पीछे जो भी, उसको शाकालाका बूम बूम में पसंद बहुत होगा। और संजू ऊपर रहता था तो हमको ऊपर रहने का बहुत शौक था, तो हम ऊपर ही गए थे। तो पहले फिर हमको ट्रेन वाला फीलिंग आने लगा, तो हम नीचे आ गए, लेकिन फिर भी हम ये बेड बहुत इंजॉय करते हैं, तो हम बच्चा वाला बच्चा 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 वाला फीलिंग आता है हमको। और देख सकते हैं आप हमारा बेड, यहाँ पे हम लोग अपना लगेज रख लिया है क्योंकि कुछ खास स्पेस नहीं है रूम में कहीं और रखने के लिए, तो इधर ही रख चुके हैं हम लोग। वहाँ पे मेरा योगा मैट है, कभी कभी करते हैं हम योगा। यहाँ पे लोग समझते क्या है कि आप इंडिया से हैं तो आप योगा ही करते होंगे, जैसे आप लोग समझते हैं कि हर कोरियन किमची खाते हैं, वैसे ये लोग भी समझते हैं कि हर इंडियन योगा करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। और यहाँ पे अगर आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप लोगों को अगर कोरिया में आप रिसर्च करते होंगे आपको पता होगा कोरिया में हर जगह ऑनडोर सिस्टम है, फ्लोर हीटिंग सिस्टम, तो वही इसका रेगुलेटर है, और इससे हम लोग एडजस्ट करते हैं। तो इसका जो इसको एडजस्ट करने के बाद हमारा पूरा फ्लोर है ना इसे गर्म रहता है, तो बाहर कितना भी ज़्यादा ठंडा हो रूम आपका गर्म ही रहेगा, ऐसा फील आता है, मतलब गर्मी का ही फील आता है। और ये हमारा फ्लोर है ऐसे वुडन फ्लोर जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है, पोछा वोछा भी लगा लेते हैं तो घिस घिस के तो साफ हो जाता है। सो रूम के इस साइड अगर हम आते हैं तो यहाँ आपको दिखेगा ये कंप्यूटर टेबल टाइप का टेबल दिया हुआ है, चेयर दिया हुआ है, और ये हमारा पूरा स्टोरेज के लिए दिया हुआ है। तो हम इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा जो भी स्किन केयर है, हैंड क्रीम, हेयर क्रीम, एम्पल सेरम्स, हम सब कुछ यहाँ पे रखे हुए हैं, और कहीं रखे हैं। और यहाँ पे मेरा मंचिंग एरिया है, यहाँ पे जो भी हमको अच्छा लगता है, कॉफ़ी, ये तो हम खा खा के मेरा कैविटी हो गया हमको लग रहा है, और ये हम अपने घर से ही लाए थे जो कि हम ख़त्म नहीं किए हैं। और जो भी मेरा मंचिंग का सारा सामान है, ये हनी हम अपने घर से लाए थे, वो भी खत्म नहीं हुआ, तो ये सारा चीज यहाँ रखे हुए। यहाँ पे मेरा कुछ पीआर पैकेज है, योर गर्ल इज गेटिंग पीआर ब्रो, पीआर। सो ये हमारा पीआर पैकेज है कि दूसरे वीडियो में आपको दिखा देंगे। और यहाँ पे ये डब्बा है ना, ऐसे दही का डब्बा था, और इसको हम इसे यूज कर लिए हैं इसमें हम कॉइन्स रखने के लिए। जुगाड़ देख रहे हो हमारा, हम ही लोग तो जुगाड़ करते हैं। बाकी यहाँ मेरा ड्रायर है, ऊपर मेरा स्ट्रेटनर, हम सब कुछ जो एक्स्ट्रा चीज होता है, टिश्यू विश्यू, वो हम ऊपर रखते हैं। यहाँ पे हम आ सकते, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा बुक्स है, कुछ ज्यादा बुक्स नहीं है क्योंकि हमारा पेपर से पढ़ाई होता है, हम लोग को ये मटेरियल्स दिया जाता है वो चीज से पढ़ाई होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा मटेरियल्स भरा पड़ा है, क्योंकि जैसे ही हमारा ऑनलाइन क्लास होता है, तो क्लास के साथ मटेरियल्स इधर ही से निकालते, तो उधर कुछ नहीं रखे, यहीं पे रखे हैं हम लोग। और आगे अगर आप आएंगे तो यहाँ आपको दिखेगा हमारा जिमिन कॉर्नर, छोटू सा मेरा प्यारा जिमिन के साथ। आप देख सकते हैं माउस पैड भी हम जिमिन का रखे हुए हैं, और ये जिमिन का डॉल को देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये इस चीज का खासियत हम आपको बताते हैं, ये कस्टमाइज कैलेंडर है जो हम अपने क्लास में बनाए थे, क्लास में हमारा कल्चर क्लास हो रहा था, उसमें कैलेंडर बनाने बोला गया था, तो हम जनवरी बनाए, हम फेब्रवरी भी बनाए, उसके बाद टाइम खत्म होने वाला था तो मार्च नहीं बनाए, हम डायरेक्ट उछल गए मई में, क्योंकि मई इज माई बर्थडे मंथ, और हमको और कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था, तो हम जनवरी फेबरी और मई बनाए हैं। तो हम इसको ऐसे खोल के रखे क्योंकि मार्च में उलट नहीं सकते, मार्च का है नहीं। तो ये मेरा कस्टमाइज, मेरा चैलेंज, इधर मेरा चैलेंज है, और इधर हमारा असली कैलेंडर आपको दिख सकता है जिसमें आप डेट देख सकते हैं। यहाँ पे है हमारा डिफ्यूजर जो रूम को सुगंधित पुष्टि वर्धनम रखता है। यहाँ पे हमारा आईना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या की निकाल, और ये है नारा का चाय जो ये पी रही थी, और ये हमारा लैपटॉप है। ये लैपटॉप हम आपको अपने बारे में बताते हैं, हम इंडिया से लैपटॉप नहीं लेके आए थे, मेरा जो लैपटॉप था हम सर्विस सेंटर में दिए, खराब कर दिया वो, अब उसको 14-15 हज़ार लग रहा है, हम इंडिया में ही छोड़ के आ गए, उसको बनाने में 14-15 हज़ार लग रहा, हम छोड़ के आ गए। और हम यहाँ जब आए तो हम फर्स्ट 2-3 मंथ है ना पैसा सेव करके अपने लिए खुद के पैसे से मैकबुक खरीदे, और आई एम सुपर प्राउड ऑफ इट, और बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये हमारा लैपटॉप है, और हमको
कैमरा खरीदना चाहिए था, फोन खरीदना चाहिए था क्योंकि हमको वीडियो बनाना होता, लेकिन हम नहीं खरीदे क्योंकि लैपटॉप नहीं था और मेरा ऑनलाइन ही क्लास होता तो उसमें बहुत दिक्कत होता था, हमको लैपटॉप खरीदना पड़ा। आप देख सकते हैं तो यहाँ पे हम अपना मेरे दोस्तों के साथ फोटो लगा कर रखे। ये गामछोन विलेज है जहाँ पे हम घूमने गए थे, ये जगह हमको बहुत पसंद है, निकल रहा है ये भाई, ये जगह हमको बहुत पसंद है, वहाँ पे दिया तो हम ये लगा ली। और यहाँ पे थोड़ा बहुत मोटिवेशन का चीज़ हम रखे हुए, मतलब कि जो भी है ये वाला टाइम है जब हमको बहुत बुरा सा लगता है ना, तो ये सब देख के ऐसे सही हो जाता है। ये मेरे होमवर्क का लिस्ट है जब क्लास में होता है, ये वाला आप ना ही देखे तो अच्छा है। और ये वाला सारा मोटिवेशन लिस्ट है। यहाँ पर हमारा 3 जो है ड्रॉर्स है जो कि हमको खोल के नहीं दिखाएंगे क्योंकि उसमें बहुत रद्दी हम सामान रखते हैं। यहाँ इस ड्रॉर में हम अपना सारा यूटेंसिल्स रखे हुए हैं, इस ड्रॉर को छोड़ ही देते हैं हम, बहुत प्लास्टिक्स भर के रखे हैं, जो शॉपिंग बैग्स वो भी रहता है, जरूरी पड़ता है कचरा जरूरी रहता है कचरा फेंकने के लिए, तो हम इसको यहाँ पे रखे। और इसमें जो डेली यूज का चीज़ है, दवाई हो गया या फिर कोई चॉकलेट्स हो गया, हेयर बैंड्स हो गया, हम इसको यहाँ पे रखते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ना हम अपना सारा मसाला रखते हैं, मतलब कि हम इंडिया से लेके जो आए थे वो मेरा कुकिंग थिंग्स यहाँ पे हम रखे हुए हैं, क्योंकि रूम में हम लोग कुक नहीं कर सकते, किचन में जाके कुक करना क्या हो रहा है, रूम में हम लोग कुक नहीं कर सकते, किचन में जाके करना होता है, तो हम अपना सारा सामान यही रखते हैं। किचन में रखेंगे तो कहीं चोरी हो जाए, वैसे होता नहीं है लेकिन फिर भी सेफ्टी पर्पज हम यहाँ पर अपना रखते हैं। और यहाँ हमारा राइस कुकर है, आप देख सकते हैं छोटू सा ही है ये हमारा राइस कुकर, जिसमें हम रूम में ही राइस बना लेते हैं। और ये हमारा चावल का बोरा है, पूरा एकदम गृहिणी वाला अक्षर है मेरा, समझ रहे हैं, ये हमारा चावल का बोरा है जो कि हम एक बार मंगा लेते हैं ताकि वो 3-4 महीना चले। ये मेरे रूममेट का है पार्ट, और ये हम आपको पूरा डिटेल्स में नहीं दिखाएंगे क्योंकि उसका है, तो हम क्या करें, उसका सारा सामान है। इस रूम का खासियत हम आपको दिखाते हैं, आप जब इधर आते हैं तो इस रूम का जो व्यू है वो इस रूम का खासियत है। और अगर यहाँ पे आप खड़े होते हैं ना, मतलब आप कैसे ही खड़े होंगे, मेरे नज़र से आप खड़े अगर होके देखते हैं तो ये रूम का जो ये व्यू है ना एकदम सुकून देता है भाई, हम क्या बताएं। मतलब अगर हम आते हैं यहाँ पे, हम कभी घर का याद आता है या फिर जो भी है, अगर इतना अच्छा हवा भी आ रहा है और पूरा रूम का व्यू एकदम मज़ेदार है, एकदम दिल खुश हो जाता है और यहाँ खड़े होके बहुत मज़ा आता है भैया, सच में व्यू है ना वो इस रूम का बेस्ट चीज़ है। और हमको बहुत अच्छा लगा कि हमको ये रूम मिला क्योंकि ये व्यू किसी के भी रूम से नहीं आता, चाहे किसी के रूम से पानी का व्यू आए, चाहे कुछ भी व्यू आए ना, ये वाला व्यू किसी के रूम पे नहीं है और हमको बहुत अच्छा लगता है ये व्यू। और इसके बाद मैं आपको, इतना ही हमारा रूम का था, और इसके बाद मैं आपको किचन ले जाते हैं जहाँ पे हम खाना बना सकते हैं और लॉन्ड्री कैसे होता है, और 13th फ्लोर पे हैं तो लिफ्ट विफ्ट सब कुछ दिखाते हैं, तो आइए मेरे साथ चलते हैं। सो हम लोग जा रहे हैं किचन में, और हमारा किचन है B1 पे और हम लोग 13th फ्लोर पे हैं, तो हम लिफ्ट बुला रहे हैं। ये हमारी नारा बेबी है, ह्यूज शाउट आउट टू हर, कैमरा मैन हमारी पकड़ी हुई है कैमरा, तब से थकी नहीं है। लिफ्ट आ रहा है और ये हम शूट कर रहे हैं नारा के फ़ोन से क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और ये मेरे पीछे से जो आ रही है, दैट गर्ल ओवर देयर, शी इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ माई क्लासमेट फ्रॉम इंडोनेशिया। लिविंग जिसके अंदर आप बहुत देख सकते हैं, सोफा है, टीवी है, प्लांट है, थोड़ा एक्सरसाइज करने का चीज़ है, और यहाँ पे खास तौर पे हमारा पियानो ही है, दिस इज आवर पियानो जिसको हम कभी कभी बैठ के चला लेते हैं। और अगर जो हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो करता होगा वो हमको सोचता होगा, दीदी आपको पियानो बजाने आता है क्या, आप क्लास ले रहे हैं क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आके हम बस इंस्टाग्राम के लिए शूट करके चले जाते हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं वो सारा BTS, तो यू कैन जस्ट जॉइन मी ऑन इंस्टाग्राम, द लिंक इज हियर। एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू द किचन आपको दिखाते हैं हम लोग खाना कहाँ बनाते हैं और लॉन्ड्री कैसे होता है, तो आ सकते हो। और हम मास्क क्यों पहन लिए, क्योंकि ये कोरिया बहुत स्ट्रिक्ट है, बिना मास्क के आप कहीं नहीं जा सकते, आपको नीचे रूम से निकलने के साथ मास्क लगाना पड़ता है, तो आइए। यहाँ पे आते ही हमारा बड़ा सा किचन है जिसमें हर कोई खाना बनाता है और यहाँ पे खाना बैठ के खा सकते हैं। ये पूरा किचन आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारा बना सकते हो। और ये पूरा जो आप देख रहे हैं, ये पूरा स्टोरेज है सबका सामान रखा है, मैं खोल कर दिखा सकते हैं, जिसको जिसको अपना अपना जगह मेरा वो रख लिया है, और यही है हमारा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको प्रोसेस फूड करके खाना हो तो हमारे बहुत किचन में अच्छे से सुविधा, आपको लुक तो उठा सकते हैं सुविधा का, माइक्रोवेव कर सकते हो। और ये किचन में सबके लिए फ्रिज रखा हुआ है, बहुत बड़ा बड़ा सा, आप देख सकते हो। हम दिखाने पाए क्योंकि सबका सामान है तो अच्छा नहीं लग रहा वैसे दिखा। ये फ्रिज है और ये नया ही फ्रिज आया है हमारा, तो मैं ये भी दिखा देते हैं आपको,
ये सबके लिए, मतलब जो भी अपने अपने रूम में जिसका फ्रिज नहीं है और रखना चाहे ठंडा सामान तो यहाँ पे रख सकता है। और फर्दर आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखाते हैं कि हम लॉन्ड्री कहाँ करते हैं। वो ये है हमारा, यहाँ पे आपको 1000 वॉन लगता है अपने कपड़ा के लिए, मतलब 38 मिनट्स के लिए आपको 1000 वॉन और अपना डिटर्जेंट वर्जेंट सब कुछ लाना पड़ता है, ये लॉन्ड्री का सामान। और ये हमारा ड्रायर है, ये ड्रायर है अगर आपको कपड़ा धोने और सुखाना भी है, और अगर आपके पास है नहीं वो डिटर्जेंट तो यहाँ पे आप 500 वॉन डाल के निकाल सकते हैं। एकदम अमेरिकन स्टाइल है यहाँ पे हमारा, ये सब हम अमेरिकन टीवी सीरियल्स में देखते हैं। तो फॉर टुडेज वीडियो हम आपको रूम टूर दे गए। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो कि रूम कैसा लगा। और ये रूम का जो प्राइस है वो 5,30,000 वॉन है, जो कि मिला जुला के 4 महीने का ये प्राइस है, और 4 महीने में 5,30,000 वॉन लगता है जो कि इंडियन रुपीज में कुछ 35,000 रुपीज होगा, आई डोंट नो, हम कैलकुलेट नहीं किए हैं। और ये, और अगर आप पूछेंगे कि इसका पैसा कैसे देते हैं, तो इसका पैसा हमारा जो स्टाइपेंड मिलता है मंथली का उसमें से देना पड़ता है, ऐसे अलग से नहीं रहता, स्टाइपेंड से ही निकाल के देना पड़ता है पैसा, तो यह हम लोग दे रहे हैं। और इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो, शेयर करो सबके साथ, प्लीज शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, एंजॉय करो। आई लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।